हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास का टॉपिक है जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर पढ़ने के बाद पढ़ते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें यूज होती है इस चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज हमारा करंट का पहला लेक्चर है, इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, इन सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है ना, हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है चैप्टर का? नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन, वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो किस में होता है, आपका मोशन में होता है। वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो चार्ज क्या होता है, आपका मोशन में होता है, उसका स्टडी हम इस चैप्टर में करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि इसके पहले जो चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ते होंगे, वहाँ पर पढ़ना स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन, मतलब वैसे चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि किसमें है, मोशन में, मतलब चार्ज के मोशन से ही इलेक्ट्रिक करंट आता है, ये आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इधर हो जाएंगे और इधर से क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे कि मोशन ऑफ चार्जेस। अब किस तरह का मोशन, ये सब हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करेंट, कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, है ना। चार्ज का मोशन क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। पहली बात क्या बोले कि जो चार्ज का मोशन है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। और जहां भी करंट बहता है, करंट का अलग अलग इफेक्ट होता है, करंट का क्या होता है, अलग अलग इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए, देयर आर वेरियस इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब चूंकि हम लोग करंट पढ़ रहे हैं तो ये सब बात जानना पड़ेगा हमको। देयर आर वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, देयर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, है ना, इलेक्ट्रिक करेंट का वेरियस इफेक्ट है। पढ़ते भी होंगे आप, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, जैसे कौन कौन सा इफेक्ट है भाई, जैसे हमारा सबसे पहले आप पढ़ते होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, हीटिंग इफेक्ट, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। दूसरा कौन सा इफेक्ट है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरा कौन सा इफेक्ट है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये सब करंट का इफेक्ट है, ये सब क्या है, करंट का इफेक्ट है। करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप का होता है, ये भी जानिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट दो तरह का होता है, कितने तरह का इलेक्ट्रिक करंट होता है, दो तरह का। सबसे पहला टाइप जो है करंट का, वो क्या है आपका, डायरेक्ट करंट। क्या है आपका, डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, डीसी, क्या लिखते हैं, डीसी, है ना। उसके बाद दूसरा जो करंट का टाइप है, दूसरा करंट का टाइप क्या है आपका, अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा करंट का टाइप क्या है भाई, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग किसको कहते हैं, एसी को कहते हैं, किसको कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, एसी, डीसी और एसी, है ना। ये हम लोग करंट का दो टाइप इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे डीसी का, मतलब किसका, डायरेक्ट करंट का। जो हमारा अगला चैप्टर होगा ना, अगला चैप्टर नहीं, मतलब इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। इसीलिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो करंट का बेसिक बात हम जान लेंगे, इसके बाद हम लोग के इस चैप्टर में जो मेन मुद्दा होगा डिस्कशन का, वो हम लोग इस चैप्टर में डायरेक्ट करंट पर ही बात करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के लिए एक अलग चैप्टर बना हुआ है। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठते हैं, जब आप नीट में बैठते हैं, तो बस आप एसी डीसी जान गए, बेसिक डिफिनीशन जान गए, काम चल सकता है आपका। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आएगा लिखने के लिए कि एसी और डीसी का डिफरेंस लिखिए। क्या कहेगा कि एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो लिखिए। तो अभी हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। इस चार्ट में हम लोग एसी और डीसी, ये दोनों का क्या करेंगे, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफिनीशन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठते हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज के तौर पे ये जानकारी होना चाहिए। तो
तो अभी पहले, अभी चूंकि बोर्ड पे हम पूरा नहीं लिखे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमको चार्ट बनाना है एसी और डीसी के लिए। तो ये आप इंट्रोडक्शन था, आप इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आफ्टर फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको आप नोट करिए। जो आपको बताए अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, मतलब एसी और डीसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए एसी और डीसी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो सबसे पहला बात आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहला डिफरेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वो क्या लिख रहे हैं? सबसे पहला डिफरेंस हम लोग लिख रहे हैं कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, कौन सा करंट है आपका, जो अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब क्या है आपका एसी जो है ये टाइम वेरिंग करंट है। क्या है आपका? टाइम वेरिंग करंट है ना, टाइम वेरिंग करंट। कहने का क्या मतलब है? वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलता, वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलता हो उसको हम लोग टाइम वेरिंग करंट कहते हैं। तो क्या लिखिएगा यहाँ से, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, इसका मैग्नीट्यूड समय के साथ बढ़ेगा और घटेगा, चेंजेस विद टाइम, और साथ ही साथ करंट का डायरेक्शन भी होता है, एंड इट्स डायरेक्शन, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स करेगा, एंड इट्स डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। क्या बोल रहे हैं कि ये टाइम वेरिंग करंट है। कहने का मतलब क्या है? ये टाइम वेरिंग करंट है, इसका मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलेगा और पीरियोडिकली एक फिक्स टाइम इंटरवल पे इसका डायरेक्शन रिवर्स होता है। वहीं अगर हम किसका बात करें, डायरेक्ट करंट का बात करें, तो डायरेक्ट करंट के बाद में क्या कहेंगे, ये टाइम इंडिपेंडेंट करंट है। कैसा करंट है ये? टाइम इंडिपेंडेंट करंट है ना, टाइम इंडिपेंडेंट करंट, दैट इज है ना, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस पे डिपेंड नहीं करेगा आपका, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये था एसी और डीसी का जो डिफिनीशन वाला अंतर है ना, डिफिनीशन के आधार पे दोनों अलग अलग कैसे हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस पे अगर आइएगा, तो दूसरा डिफरेंस क्या है, जो देखिए ध्यान से, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए कैपेबल है। मतलब आपके घर में जो बिजली आ रहा है ना, बिजली आ रही है ना, वो क्या है आपका, एसी है, दैट इज नॉट डीसी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पावर ग्रिड से ये सबसे जो बिजली आ रही है ये सब अल्टरनेटिंग करंट है, डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं करा सकते, उसके लिए वो कैपेबल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपेबल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए कैपेबल है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए क्या है आपका, कैपेबल। इसमें क्या लिखेंगे, not capable for long distance transmission है ना, ये long distance transmission के लिए capable नहीं, not capable for long distance transmission, ये long distance transmission के लिए capable नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा अंतर हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा difference हो गया। तीसरा difference में हम लोग क्या लिखेंगे है ना, तीसरा डिफरेंस में लिखेंगे कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, जो क्या है आपका अल्टरनेटिंग करंट है, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 to 60 हर्ज है ना, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में जो अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई है ना, उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग, जैसे भारत में 50 हर्ज है, यूएसए में कुछ अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री। अलग अलग कंट्री में जो एसी सप्लाई हो रहा है, यानी अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। लेकिन वहीं आप डीसी का बात करिएगा तो क्या लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज जीरो। डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, जीरो होता है। ये बात तीसरा। चौथा अंतर का जब आप बात करिएगा, तो देखिए चौथा जो डिफरेंस है, वो चौथा डिफरेंस ये है कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है ना, इसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एसी। तो एसी का सोर्स है एसी जनरेटर, एसी का सोर्स क्या है, एसी जनरेटर, जो हमको एसी जनरेटर से एसी मिल सकता है, जो हमारे घर का मेंस है
उससे एसी मिल सकता है। और अब आप कहिएगा कि डीसी का सोर्स क्या है, तो डीसी का सोर्स क्या है भाई, तो छोटा मोटा जो जैसे हमारे मोबाइल में वगैरह में जो बैटरी लगा हुआ है, सेल या बैटरी, सेल या बैटरी, ये डीसी का सोर्स। किसका सोर्स है ये? डीसी का सोर्स है। अब देखिए ये हुआ चार अंतर जो हम लोग देख लिए हैं। पांचवा अंतर क्या है भाई, तो पांचवा अंतर का बात करिएगा तो पांचवा अंतर क्या है, पांचवा अंतर है टाइप्स। तो एसी बहुत सारे तरह का हो सकता है। देखिए सबसे पहला एसी ये इस तरह का, ऐसा एसी होगा ये, देखिए ना ये इस तरीके का, इधर करंट होगा इधर टाइम होगा। देखिए टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो एसी है इसको हम लोग कैसा एसी कहेंगे, ये यहाँ लिखते हैं, ये आपका साइनोसॉइडल एसी है। कैसा एसी है? साइनोसॉइडल एसी है ना, उस तरीके से। फिर साइनोसॉइडल एसी उस तरीके से देखिए, फिर ऐसा भी एसी होता है, ये भी इसमें भी वही दिख रहा है, मैग्नीट्यूड घट रहा है और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आई और टी ये ट्रायंगुलर एसी है, ये क्या है आपका, ट्रायंगुलर एसी। उसी तरीके से फिर स्क्वायर एसी होगा, उसी तरीके से क्या होगा, स्क्वायर एसी। ये करंट हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो देखिए ध्यान से, इसी तरीके से क्या होगा आपका, ये स्क्वायर एसी हो गया, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो भी है, इसको स्क्वायर एसी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, स्क्वायर एसी कहेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, नाम नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे, है ना, ये कैसा एसी है, स्क्वायर एसी। ऐसा बहुत सारे तरह का एसी होता है। फिर ट्रैपेजॉइड एसी होगा, कैसा एसी होगा, फिर ट्रैपेजॉइड एसी होगा, ये सब आप देखेंगे। उसके बाद देखिए, जब आप यहाँ पे बात करिएगा इसके टाइप का, किसका, डीसी के टाइप का, तो डीसी दो ही तरह का होता है। एक होता है आपका प्योर डीसी, ये करंट हो गया, ये क्या हो गया, टाइम। देखिए सीधे सीधे देखिएगा, टाइम बढ़ते जा रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, फिक्स है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्योर एसी। क्या, प्योर डीसी, क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्योर डीसी कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, एक और डीसी है जो कि आप मॉडर्न में पढ़िएगा, जब आपको पढ़ाएंगे रेक्टिफायर, इस तरीके से डीसी मिलता है, थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन, बहुत थोड़ा, तो इसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी कहते हैं, पल्सेटिंग या इम्प्योर डीसी, या इसको ऐसे भी कहा जाता है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। फिल्टर के मदद से, अगर एक फिल्टर होता है, कैपेसिटर या फिर इंडक्टर को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करके पल्सेटिंग यानी इम्प्योर डीसी को फिल्टर करके प्योर डीसी में बदलते हैं। ऐसा नहीं कि इसको प्योर में नहीं बदल सकते हैं। तो डीसी का दो टाइप है, प्योर और पल्सेटिंग या इम्प्योर। पल्सेटिंग डीसी को कहीं कहीं मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी कहा जाता है। उसके बाद क्या है भाई, फिर क्या है आपका, पल्सेटिंग डीसी बोल रहे थे, एसी नहीं, सॉरी डीसी। एसी आपका बहुत सारे तरह का है, क्या, साइनोसॉइडल एसी, ट्रायंगुलर एसी, स्क्वायर एसी, ट्रैपेजॉइड एसी, ऐसा एसी होगा। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ में देखिएगा आप, एक चीज़ मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, घटते घटते जीरो हो गया, फिर निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, फिर बढ़ने, फिर क्या होगा, घटने लगा, और डायरेक्शन भी देख रहे हैं कि रिवर्स हो रहा है। तो ये इसका डिफिनीशन ही यही, ठीक है। तो आप क्या देख लिए यहाँ पे, यहाँ पे आप देख लिए कि एसी और डीसी के बीच का अंतर क्या है। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में जो करंट का फ्लो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या है, चूंकि ये चार्ज के फ्लो करने से करंट आ रहा है कहीं भी, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब हम बात किसका करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या होता है, क्या बात करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसका डिफिनेशन क्या है। तो टाइप देख लिए, एसी पे हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करते हैं, डीसी पे अगले चैप्टर में, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, कि डीसी में इस चैप्टर पे चर्चा करते हैं, एसी के लिए तो एक अलग चैप्टर बना ही है हमारे लिए। तो देखिए अभी हम लोग बात करेंगे किसका, इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन का। तो देखिए है ना, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा भाई, देखिए क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ, इसका डिफिनेशन है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ, है ना, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट कैसे बना है मैथमेटिकली, तो कहेंगे टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टाइम रेट कहने का क्या मतलब होता है, टाइम रेट कहने का मतलब होता है कि जो करंट होगा दैट इज क्या, चार्ज फ्लोन, जितना चार्ज बह रहा है, चार्ज फ्लोन,
कितने टाइम इंटरवल में बहा, यही है टाइम इंटरवल, है ना। चार्ज फ्लोन बटा टाइम इंटरवल, यही आपका इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन है। यही क्या, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन, टाइम रेट ऑफ चार्ज फ्लोन, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना। वही क्वांटिटी क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इसके बाद देखिए, अब क्या देखिएगा, अब इसके बाद आप देखिएगा कि इसको हम लोग लिखते हैं कि करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना। ये इंस्टेंटेनियस करंट को बताता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी टी। ये किसको बताएगा, ये बताएगा इंस्टेंटेनियस करंट को। किसको बता सकता है, ये इंस्टेंटेनियस करंट को बता सकता है ना। और इसी में क्या है, इसी में क्या है कि जो आपका डी क्यू बटा डी टी है ना, इसमें अगर दे दिए हम कि लिमिट, क्या बोलेंगे हम, आप उल्टा बोल दिए, हम क्या बोल दिए, उल्टा देखिए, उल्टा बोले, क्या बोले, हम एवरेज करंट अगर लिखना चाहते हैं तो एवरेज करंट कैसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी से। ये एवरेज है, चार्ज फ्लो और टाइम इंटरवल, ये एवरेज है, है ना। अगर यहीं से हम इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते तो क्या लिखेंगे यार, इंस्टेंटेनियस करंट में लिखेंगे डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, है ना। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यही काम अभी हम उल्टा कर रहे थे, ठीक है। लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू जीरो डी क्यू बटा डी टी, ये इंस्टेंटेनियस करंट निकल गया। डी क्यू बटा डी टी मतलब डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे, क्या करके निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। और ऐसे एवरेज निकालना है तो जितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बटा टाइम। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आप कर लीजिए यहाँ पे, जैसे हम दे दिए क्यू बराबर दे दिए 2t² + 1, है ना, 2t² + 1 कूलम्ब दिया हुआ है, ठीक है। कहेंगे कि फाइंड द करेंट फ्लोन, फाइंड द करेंट फ्लोन फ्लोन एट टी बराबर 2 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड पे कितना करंट बहा ये बताना है। तो इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं 2 सेकेंड पे, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी टी, है ना, डी क्यू बटा डी टी। तो क्या लिखेंगे, डी बटा डी टी ऑफ क्यू क्या हो गया, 2t² + 1, 2t² + 1। देखिए 2t² + 1, तो 2t² का डिफ्रेंसिएशन हो गया 4t, क्या होगा वो, क्या होगा आपका वो 4t, आई बराबर हो गया आपका 4t, डिफ्रेंशिएट कर दिए। और कितना सेकंड के लिए पूछ रहा है, 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 × 2 मतलब क्या, 8 एम्पियर। 2 सेकंड में कितना करंट फ्लो करेगा आपका, 8 एम्पियर। सीधे सीधे इंस्टेंटेनियस करंट हम लोग डिफ्रेंशिएट करके क्या कर लिए, निकाल लिए। लेकिन अगर यहीं पे कहेंगे कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्या कहेंगे कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में आप बताइए, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द एवरेज करेंट, फाइंड द एवरेज करेंट, है ना, फाइंड द एवरेज करंट फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए एवरेज करंट बताइए। तो एवरेज करंट का मतलब क्या होगा, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। एवरेज करंट का क्या मतलब हो गया भाई, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू मतलब क्या, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, और टाइम इंटरवल तो 2 सेकंड है ही दिया हुआ, तो फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज कैसे निकलेगा, तो 2 सेकंड बोल दिया, तो 2 मतलब होगा 0 से 2, 2 मतलब क्या हो गया, 0 से 2। तो 0 से 2, तो आप पहले ये पता करिए, सुनिए, Q फाइनल निकालिए और Q इनिशियल निकालिए। तो Q फाइनल कब निकलेगा, 2 सेकंड पे, Q इनिशियल कब निकलेगा, 0 सेकंड पे। दोनों चार्ज का अंतर जैसे ही पता चल जाएगा, टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, करंट निकल जाएगा। तो 2 सेकंड पे कितना चार्ज बह रहा है, 2 सेकंड पे आपका कितना चार्ज, देखिए चार्ज का इक्वेशन है कितना, 2t² + 1, तो 2 सेकंड पे कितना चार्ज बहेगा, 2 × 2² + 1, देख लीजिए 2 × 2² है ना, और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 9 हो गया, 9 कूलम्ब चार्ज हो गया। और 0 सेकंड पे क्या होगा, तो 2 × 0² + 1, 0 सेकंड पे, यहाँ पे 0 रख देंगे तो कितना फ्लो करेगा भाई, 1 कूलम्ब। एवरेज निकालता है ऐसे ही, पहले एवरेज निकालने के लिए पहले आपको इनिशियल और फाइनल चार्ज कैलकुलेट करना होगा। ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स में भी करते हैं, एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब निकालने के लिए। अब फाइनल चार्ज 9, इनिशियल चार्ज 1, और टाइम कितना है 2, तो 9 - 1 क्या हो गया, 8/2 कितना हो गया, 4 है, कितना हो गया आपका, 4 एम्पियर। देख लीजिए पार्टिकुलरली 2 सेकंड पर 8 एम्पियर करंट बह रहा था, लेकिन 0 से 2 सेकंड का एवरेज करंट कितना हो गया, 4 एम्पियर, कितना हो गया वो, 4 एम्पियर।
तो ये सब चीज का आप ध्यान रखते हैं, है ना। क्या पूछ रहा है आपसे, कहेगा फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए बताइए, तो 2 सेकंड के लिए मतलब 0 से 2, एट 2 सेकंड मतलब इंस्टेंटेनियस का बात किया है। अब आपको एक होमवर्क दे दे रहे हैं, क्या कह देंगे हम, कह देंगे कि मान लीजिए कि क्यू बराबर हम दे दिए, क्यू बराबर क्या दे दिए हम लोग, 2t² - 3t + 4। फाइंड क्या कहेंगे, फाइंड करेंट फ्लोन, क्या कहेंगे, फाइंड करेंट फ्लोन एट t = 1 सेकंड। अब आप इंस्टेंटेनियस ही निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए करंट तो आप देख ही लिए, सिंस चलिए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगा। सिंस करंट इज इक्वल टू हम क्या देख लिए हैं, Δq/Δt, तो इसका यूनिट हम लिख सकते हैं, यूनिट हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या होगा इसका यूनिट होता है कूलम, और इसका होगा क्या, सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, इसी को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं इसको यार हम, एम्पियर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एम्पियर। और ये ध्यान रखना है एसआई सिस्टम में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताया गया था उसमें से एक ये करंट भी है, 7 जो फंडामेंटल बताया गया उसमें से एक करंट भी है भाई, इसको मत भूलिएगा, है ना। यानी ये करंट जो है वो क्या है, 1 of the 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े हैं ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये 1 of the 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसीलिए इसका जो इसका है क्या है, इसका डायमेंशन ए ही होता है, ए इसका अपना डायमेंशन है ए, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिराइव नहीं है, चार्ज डिराइव क्वांटिटी है ना, तो इसका ऐसा यूनिट एम्पियर हो गया। अगली बात, ये स्केलर है कि वेक्टर है, करंट का तो डायरेक्शन होता है, करंट का क्या होता है आपका, डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो स्केलर है कि वेक्टर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट करिए जल्दी से। देखिए अब क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी और क्या है आपका, डायरेक्शन भी है, ध्यान रखना है करंट का डायरेक्शन होता है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है, पढ़े होंगे बचपन में यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ना है, फिर भी ये क्या है, स्केलर। क्यों ऐसा, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करता है, किसका पालन नहीं करता है, वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से भाई, लिखेंगे यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों है, क्या, मैग्नीट्यूड, क्या है भाई, मैग्नीट्यूड है ना, हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट इज स्टिल स्केलर, लेकिन ये फिर भी क्या है आपका, स्केलर। क्यों स्केलर है, बिकाउज इसका कारण है, बिकाउज है ना, इट डज नॉट ओबे, ये किसका पालन नहीं करता है, बिकाउज इट डज नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करता है। क्या बोले कि इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर है, क्यों, क्योंकि इसके पास, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करता। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है तो किधर के तरफ होगा, ये भी हम लोगों को देखना है। तो देखिए क्या बोलेंगे हम, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझे बात को, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, तो देखिए दो तरीके से कह सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, क्या कहेंगे, पढ़े भी होंगे बचपन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्जेस, फ्लो ऑफ निगेटिव चार्जेस है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्जेस, जो आपका निगेटिव चार्ज है उसके फ्लो के अपोजिट में होता है, उसके फ्लो के अपोजिट, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है ना,
इस कंडक्टर को हम को इस कंडक्टर में हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे के रखे हैं मान लीजिए, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ बह रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्डर्ड फैशन में इधर की तरफ क्या हो रहा है, बह रहा है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से लिखते हैं वो इधर की तरफ चलेगा, है ना, ये ध्यान रखना है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, इसीलिए हम लोग बस कॉन्वेंशन के हिसाब से समझते हैं ना, साइन कॉन्वेंशन है, बस कॉन्वेंशन है, सुविधा के हिसाब से हम इसको लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव चार्ज के अपोजिट में या फिर पॉजिटिव चार्ज के तरफ। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है इसीलिए हम लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, ये हम लोग कहते हैं ऐसा, आप बचपन में भी ये काम किए होंगे। तो देखिए ये हम देख लिए कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, हमेशा जिधर इलेक्ट्रॉन बहेगा उधर ही। अब देखिए करंट कहाँ कहाँ बहता है, आप अपने जीवन में करंट को कहाँ कहाँ बहते देखे हैं, है ना, करंट फ्लोज इन, है ना, करंट फ्लोज इन कहाँ कहाँ बह सकता है करंट भाई, तो करंट बहता है आपका, है ना, करंट बहता है आपका कंडक्टर में, करंट कहाँ बहता है आपका कंडक्टर्स में, करंट बहता है लिक्विड मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में, लिक्विड में बहता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, और करंट कहाँ बहता है सेमी कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर भी आपको पढ़ना है, और करंट कहाँ बहता है भाई सेमी कंडक्टर में। तो कंडक्टर में करंट क्या क्यों बहता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कंडक्टर में करंट बहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और इसमें क्या होता है ड्यू टू आयंस के कारण, है ना, आयन कटायन अनायन नाम सुने होंगे। और सेमी कंडक्टर में करंट क्यों बहता है भाई, तो सेमी कंडक्टर में करंट आपका बहता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण क्या होता है इसमें करंट बहता है, दोनों के कारण क्या होता है इसमें करंट बहता है, यानी इसमें करंट को बहाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन और होल जिम्मेवार है, इसमें करंट को बहाने के लिए कौन जिम्मेवार है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोलाइट में आप पढ़े होंगे आयंस, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है आपका आयन, ठीक है। तो इतना सारा बात हम लोग जो किए करंट के बारे में किए, एक चीज़ और लिख देते हैं भूलिएगा नहीं, बहुत ही बेसिक बात, चूंकि आप लोग 12th क्लास के हैं तो बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है, क्या कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो, कि इलेक्ट्रिक करंट इज अमंग द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है जो सात फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ना उसी में से एक है, है ना, इसका डायमेंशन जो होगा इट्स डायमेंशन इज पर एम्पियर, इसका आप खुद का डायमेंशन होता है ए, और ये सब बात ध्यान रखिएगा, ये सब आप जानते होंगे कि आपका कंडक्टर में बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, ठीक है, सेमी कंडक्टर क्या है, तो सेमी कंडक्टर कंडक्टर के बारे में हम जानते हैं, सेमी कंडक्टर क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स तो आप जानते होंगे क्योंकि सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, तो बस हम सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन लिख देते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर है, ऐसे कह सकते हैं कि द मटेरियल या सब्सटेंस, वैसा मटेरियल और सब्सटेंस जिसका कंडक्टिविटी हुज कंडक्टिविटी वैसा मटेरियल और सब्सटेंस जिसका कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर उसके बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होता है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होता है, इंसुलेटर से क्या होता है ज़्यादा, है ना, इसका एग्जाम्पल है सिलिकन का सेमीकंडक्टर होता है सिलिकन, है ना, जर्मीनियम हो गया गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइट हो गया, ये सब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट एलिमेंट से बनता है, उसके बाद गैलियम फॉस्फाइट, ये सब जो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। इस तरीके से सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन छोटा सा लिख दिए, ऐसे इसका भी एक चैप्टर ही है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स,
है ना, ये एक चैप्टर ही पढ़ना है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, इलेक्ट्रोलाइट तो आप जानते ही हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है ना, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें आपका आयंस होगा जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो ये सब भी आपको बचपन में पढ़ना है। कंडक्टर तो जानते ही है ना, जनरली जो मेटल है ना, मेटल्स कंडक्टर के रूप में हम किसको देखना पसंद करते हैं, मेटल्स को है ना, मेटल्स, मेटल्स आर कंडक्टर। और ये सिलिकन जर्मेनियम का आप लोग मेटलाइड के मेटलवाइड के कैटेगरी में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो यही है जो आपको करंट का बेसिक जानकारी आज हम दे दिए। क्या बताए, करंट क्या होता है, करंट में हम क्या पढ़ते हैं, करंट का इफेक्ट क्या है, करंट का टाइप क्या है, करंट का डिफिनीशन क्या है, करंट का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, करंट का यूनिट क्या है, करंट का डायमेंशन क्या है, करंट किस तरह का क्वांटिटी है, मतलब स्केलर है कि वेक्टर है, करंट कहाँ कहाँ बहता है, उसमें क्यों बहता है ना। और अगला बात क्या बता दिए कि छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा डिफिनेशन बताएं सेमी कंडक्टर, क्योंकि सेमी नाम ही, सेमी मतलब तो अर्ध, अर्ध कंडक्टर है ये, है ना, इसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा, मतलब ये एक ऐसा कंडक्टर समझ लीजिए कि रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, मतलब ये आधा कंडक्टर है, समझ रहे हैं बात को। तो आप ऐसा करिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये चूंकि इंट्रोडक्शन वीडियो था इसलिए थोड़ा छोटा बनाया गया, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कंडक्टर के अंदर जब करेंट बहेगा, है ना, कंडक्टर के अंदर जब करेंट बहेगा तो क्या, क्यों बहेगा, कैसे बहेगा, ये तो हम देख लिए क्यों बहेगा, कैसे बहेगा है ना, इलेक्ट्रॉन चलेगा कितना तेजी से, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कितना करंट बहेगा, ये सारे राज पर से पर्दा हमारे अगले लेक्चर में उठेगा। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलते रहे और आप मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में हमारे द्वारा फिजिक्स सीखते रहें। थैंक यू, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।